हाँ हाँ पता है पता है पता है पता है का क्या मतलब? हाँ तो मम्मी तो ये कि आपको मुझे ये पूछना चाहिए कि मेरे साथ यहाँ हुआ क्या है। अच्छा बोल क्या हुआ तेरे साथ। मम्मी हुआ ये कि हमारी सविता आंटी हमारे सोसाइटी की नवरात्रि की पूजा के लिए ग्राउंड बुक करना भूल गई। अब सारी मुसीबत हमारे सिर पे आके टूट पड़ी। बस इतनी सी बात? सिर्फ इतनी सी बात नहीं, पता है और क्या हुआ? बस बस ज्यादा खिकी मत कर। राशि मम्मी मैं फोन रखती हूँ, काकड़ी बुला रही। जय श्री कृष्ण। अरे पर मेरी बात तो सुन। में इसे तो हमेशा अपनी ही पड़ी होती है। मेरा क्या होगा, मेरी साड़ी। जी ठीक है, जय श्री कृष्ण। जी काकी जी आपने बुलाया? हाँ राशि, विमला बेन का फोन था, कह रही थी कि मैडम आनंदिता मुखर्जी फिलहाल ऑफिस में नहीं है। जहाँ डांडिया का कार्यक्रम आयोजित होता है उसी मैदान में है, तो हमें उनसे क्षमा याचना करने, उनसे बातचीत करने के लिए वही चलना होगा। हाँ माँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है चलिए। कान्हा जी सब ठीक कर दीजिएगा, अब सब आप ही के हाथ में है। उड़े बाबा फिर से आ गए वो लोग। उना क्या वही डांडी वाले, आज तो हम इनको भौंका के छोड़ेगा। ये जगह हमारा है, चलो बहनों आओ आओ आओ, आओ, आओ सब आओ। चलो ऐसो ऐसो। जी मैडम मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना। ये बदबू, गोपी वो तुम ठीक तो हो? पूजा अर्चना का स्थान है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, मुझे मेरा काम करने दीजिए। बाबा को पूजा का स्थान में कचरा फेंकना तुम्हारा काम कैसे हो सकता है? मुझे कचरा फेंकने के लिए बोला गया है। कौन बोला? जी बाबा देखते नहीं हम इधर दुर्गा पूजा करते हैं, तुम इधर कचरा नहीं फेंक सकता। मैडम मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बोला गया है, मैंने वैसा ही किया है। कौन बोला तुमको? वो मुझे नवरात्रि कमेटी ने बोला है। शौती? नहीं ये झूठ है, एकदम झूठ। ड्राइवर भाई साहब क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि आपसे डांडिया कमिटी ने ये कचरा फेंकवाने के लिए कहा है? हाँ है ना, ये देखिए आप। मोदी तुम ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे? मैंने ये नहीं किया है। तुम लोग नहीं फेंका यहाँ पे? नहीं नहीं हम लोग ऐसा कर सकते हैं पवित्र स्थान पर? कतई नहीं। तो फिर ये कौन किया? मेरी बात का यकीन कीजिए, पूजा के स्थान पर मैं ये सब नहीं कर सकती। देखिए मेरी माँ जी ऐसा काम कर ही नहीं सकती, और यहाँ तो हम हर साल नवरात्रि पूजा करते हैं, हम भला इस जगह को क्यों दूषित करेंगे? तुमने बहुत गलत काम किया, हमारा दुर्गा पूजा
दिया। आप जरा हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप सुनिए तो, तुमने बहुत गलत किया आपने हमारे साथ। तुमने आप ही नहीं किया है। आपने चिट्ठी तो दे दी ना भैया। सविता बेन, ये सब आपने करवाया? हाँ, मैंने ही करवाया। आमी चुप थाक बोना, तुम्हारा सासू माँ किता है? अरे उसकी सास तो बाहर गई। नहीं नहीं, वो बस आई नहीं है। किधर है, किधर है, बताओ फिर। और उसने गलत भी क्या किया? अगर वो लोग हमें नवरात्रि करने नहीं दे रहे तो हम लोग उन्हें दुर्गा पूजा करने क्यों दे? चुप। आगे एक लफ्ज भी नहीं सविता बेन। बाबा बच्ची नहीं है और ना ही ये कोई पाठशाला का खेल खेल रहे हम लोग। आपने मैदान को समय रहते हुए आरक्षित नहीं करवाया, ये आपकी गलती है। ऊपर से ये कचरा फेंकवाने के लिए ट्रक भिजवाया, छी, शर्म आनी चाहिए आपको सविता बेन, शर्म। चलो माना कि हमें पूजा अर्चना और डांडिया के लिए स्थान नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों की पूजा भंग करें। चलिए मेरे साथ। सविता बेन, चुप, बताइए आप क्यों करवाया ये सब दुर्गा पूजा के स्थान पर? तो ये अच्छी, तुम्ही आमार पूजा स्थल दूषित करबो, आमी तुम्हारो दांडिया दूषित करबो। तुम लोगों की ये मजाल, इतनी हिम्मत कि सभी सामान पर कचरा फेंके? ये लो, हम तुम्हें छोड़ेंगे ना। तमाशा। जे बाबा, अब तुम लोग इधर से जाओ, प्लीज गो। तुम ही शुरू किया ये सब। तुम लोगों ने हमारा डांडिया मैदान छीन लिया है। तुम हमारे पर उंगली मत उठाओ, ये हमारा गलती बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा गलती है। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ किसकी गलती है। सविता बेन, बस कीजिए सविता बेन, गलती करती है और ऊपर से ये सब। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि बंद कीजिए ये तमाशा। सविता बेन, चलिए आप लोग सब यहां से। कभी नहीं देगा, हमारा जगह है, हमारा पूजा होगा। अब तुमको ये ग्राउंड हम लोग को भी